Hello friends, welcome you to your channel Prepod. तो नमस्कार दोस्तों, इस सत्र में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आए हुए दो बहुत गुरुत्वपूर्ण विज्ञप्ति के बारे में, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अभ्यर्थी है उनके रिलेटेड है। उनका जो चयन हेतु जो परीक्षा आयोजित किया जाएगा उसके संबंधित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना के डिटेल्स इस विज्ञप्ति में आप लोग जान सकेंगे। तो डिटेल्स में जाने से पहले दोस्तों, आप लोगों को हम एक बात बता दें कि दोस्तों, इस चैनल में जो रेपथ है इसमें आप लोगों को हर नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। जॉब हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी न्यूज़ हो जॉब रिलेटेड, उसका सारा डिटेल्स इसमें इस चैनल में आ जाते हैं। तो आप लोगों को चैनल से जुड़ने के लिए सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, जो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन होते हैं उसको आप लोग क्लिक करके रखिए, और साथ में जो बेल आइकन आता है उसमें प्रेस करने से आप लोगों को सारे अपडेट्स तुरंत ही इमीडिएटली मिल जाते हैं साथ ही साथ। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि हर कोई भी खबर हो, कोई भी अपडेट्स हो आपसे ना चूके, आपको मिले हर खबर हर समय। तो दोस्तों, आइए जानते हैं विज्ञप्ति के बारे में क्या है डिटेल्स में। तो ये दिया हुआ है कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश संख्या 16801 DR-S11 2016-17 PC इलाहाबाद दिनांक 24 अगस्त 2018। तो विज्ञप्ति को यहाँ देखिए, आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 25 मई 2018 के क्रम में विज्ञापन संख्या 01/2018-19 विभाग संख्या S1106 के अंतर्गत प्रदेश की राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा के अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 544 पदों पर चयन हेतु दिनांक 30 सितंबर 2018 को आयोजित होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना निम्नतः है। तो यह जो आप लोगों का जो आयुर्वेदिक चिकित्सा योग्य अधिकारी है उनके लिए जो 454 पद है उसका जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगा 30 सितंबर 2018 को होगा, रविवार को होगा, और उसका संभावित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना यह दिया गया है। तो देखते, यह लिखा हुआ है परीक्षा आबादी 2 घंटे की होगी। परीक्षा दिनांक 30 सितंबर 2018 रविवार को एक सत्र पूर्वान 9:30 बजे से 11:30 बजे तक इलाहाबाद व लखनऊ जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न वाला एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 जिसे 0.33 दंड के रूप में काटा जाएगा। प्रश्न पत्र निम्नानुसार 2 भागों में विभक्त होगा। एक भाग है सामान्य ज्ञान और दूसरा है आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी पद हेतु निर्धारित विषय। तो दोनों में वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन होगा। जो सामान्य ज्ञान है उसमें प्रश्न होगा 30 अंक भी 30 है, और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी पद हेतु निर्धारित विषय है उसमें प्रश्न संख्या 120 और अंक भी 120, और पूर्णांक होते हैं 150 और समय होते हैं 2 घंटे। तो ऐसे दिया गया है। नंबर 2 पॉइंट में है प्रश्न पत्र परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट https://upsc.upsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। तो आप लोग और भी जो डिटेल्स है वो जान सकते हैं। अगर आप
UPSC के उस दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो उसमें डिटेल्स में और भी आप जान सकेंगे। तो ये था विज्ञप्ति एक में दिए गए डिटेल्स। तो दोस्तों दूसरी विज्ञप्ति भी आइए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो विज्ञप्ति है तो ये देख लीजिए, ये है कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश संख्या 16701 DRS 11 2017-18 TC इलाहाबाद दिनांक 24 अगस्त 2018। तो विज्ञप्ति यहाँ ऐसा दिया हुआ है, आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 25 मई 2018 के क्रम में विज्ञापन संख्या 01/2018-19 विभाग संख्या S11-01 के अंतर्गत प्रदेश की राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा अभ्यर्थियों के 596 पदों पर चयन हेतु दिनांक 30 सितंबर 2018 रविवार को आयोजित होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना निम्नतः है। तो यह भी जो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी है उसका जो चयन है स्क्रीनिंग टेस्ट है पर स्क्रीनिंग परीक्षा है 596 पदों से उसका विज्ञापन आया है। दूसरा विज्ञापन तो ये दिनांक है दिए गए हैं 30 सितंबर 2018 और रविवार को। तो यहाँ देखिए डिटेल्स में संभावित कार्यक्रम व परीक्षा योजना। तो यह दिए गए परीक्षा यादादी 2 घंटे की होगी। परीक्षा दिनांक 30 सितंबर 2018 रविवार को एक सत्र अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक इलाहाबाद या लखनऊ जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्प प्रश्न वाला एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए अंकों का 1/3 जो 0.33 दंड के रूप में काटा जाएगा। प्रश्न पत्र निम्नानुसार 2 भागों में विभक्त होगा। तो यह भाग दिया गया है सामान्य ज्ञान और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी पद हेतु निर्धारित विषय। तो दोनों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होगा। तो जो सामान्य ज्ञान होगा उसमें ऐसे ही 30 क्वेश्चन प्रश्न होगा और जो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी पद हेतु है वो 150 प्रश्न होगा 120। और अंक एक में जो सामान्य ज्ञान है उसमें 130 दिया गया है 30, और जो दूसरा है होम्योपैथिक उसका उसमें दिया गया है 120। तो कुल मिलाकर हो गया पूर्ण 150 और समय दिए जाएंगे 2 घंटे। तो यहाँ नीचे आइए देखिए 2.2 में दिया गया है प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट http://upsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। तो और भी अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप लोग जो ये वेबसाइट दिया गया है इस वेबसाइट में आप लोग जा सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं। या फिर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो हमारे जो नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था 2 विज्ञप्ति जो रिलीज हुआ है, विज्ञप्ति जो आया है कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से होम्योपैथिक चिकित्सा अभ्यर्थियों के 1/250 596 पदों पे और पहला जो और एक था उसके लिए। तो दोस्तों मिले और भी जैसे मैंने बताया कि और भी अगर कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को मिल सकता है। सिर्फ आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आता है उसमें भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे और एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।